हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास थर्ड की कविता, कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है, इस कविता के बारे में आपको बताऊंगी। इस कविता के कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इस कविता में प्रकृति के सभी क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा संचालित है, यह बताया गया है। कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार इस कविता में वर्णन किया है। बच्चों, मैं अब आपको यह कविता गाकर सुनाऊंगी। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, अब मैं आपको इस कविता का फर्स्ट पैरा समझा रही हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। बच्चों, सुबह का वातावरण कितना अच्छा रहता है, चिड़िया चहचहाती है। चिड़िया का चहचहाना इस पैरा में कवि ने उनके गीत से लिया है। चिड़िया जो ची ची आवाज़ करती है, वो खुशी के गीत गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती। बच्चों, कली जो रहती है बंद रहती है, जब खिल जाती है तो कवि ने जो खिलना रहता है उसको दरवाजे खोल खोल, कली जब खिल जाती है तो वो फूल बन जाती है, तो दुनिया पर मुस्काती है। फूल एकदम, कली से फूल खिलता है तो एकदम मुस्कुराता हुआ फूल दिखता है। खुशबू, सेकेंड पैरा, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, जब फूलों से खुशबू निकलती है तो चारों ओर फैलने लगती है, और फिर क्या, जग के सृजनहार का इस कविता में मतलब है सृष्टि की रचना करने वाला। तो हे प्रभु, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान, यह सब देखकर तुम्हारी हमें याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। छम छम बूंदे कब गिरती है बच्चों? बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में। और बिजली भी कब चमचम करती है? वर्षा ऋतु में। और इस समय क्या होता है, जब भी पतझड़ के मौसम के बाद पूरा पतझड़ में पूरे दूर सूखा सूखा रहता है, तो इस टाइम क्या होता है, बारिश के बाद क्या होता है, पूरे वन जो रहते हैं, बाग रहते हैं, सब जगह हरियाली हो जाती है। सब पेड़ों में पत्ते आने लगते हैं, हरे हरे, पूरे हरे हरे पत्तों से ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हरे कलर की चादर बिछा दी हो। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं
से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ठंडी ठंडी हवा बरसात में मस्ती, मतलब बरसात के दिनों में ठंडी ठंडी हवा जैसे लहराती हुई आती है, मस्ती में आती है अपनी। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, इस टाइम हमें आपकी बहुत याद आती है। बच्चों, आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।